जब आप सुनते हैं कि किसी फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न 11% है, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब है कि अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपको टोटल 11% रिटर्न मिलता, या और कुछ? और क्या आपको SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट दोनों पर सेम रिटर्न मिलता? अगर आप म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। CAGR, एब्सोल्यूट रिटर्न्स, XIRR वगैरह जैसे भारी वर्ड सुनकर मोस्टली लोग सहम जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड रिटर्न्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताएंगे और डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह एक दूसरे से अलग है। बट बिफोर वी बिगिन, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, सभी म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, चाहे वो CAGR हों या XIRR, आपको फंड के हिस्टोरिकल यानी पिछले रिटर्न्स बताते हैं। इनके थ्रू आपको चुने गए पीरियड में एक फंड की परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है। ये फ्यूचर रिटर्न्स के प्रेडिक्शंस नहीं है। ऑल्सो, सभी रिटर्न्स को आसानी से समझने के लिए हम एक्सिस ब्लू चिप फंड का एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं CAGR की। CAGR की फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को डिस्कस करते समय जो रिटर्न टाइप सबसे कॉमनली यूज होता है वो है CAGR। CAGR आपको आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की कंपाउंडेड ग्रोथ रेट बताता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर वेदांत एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है और उन्होंने 2015 में एक्सिस ब्लू चिप फंड में 5 साल के लिए 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए। उन्होंने 22 जुलाई 2015 को 20.04 के NAV पर इन्वेस्ट किया और उन्हें 5,000 यूनिट्स अलॉट हुए। अब 5 साल के एंड में 22 जुलाई 2020 को उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स रिडीम किए और उन्हें 1,51,000 रुपये मिले। अब उनका इन्वेस्टमेंट 51,000 रुपये बढ़ा, लेकिन उन्होंने कितना रिटर्न परसेंटेज अर्न किया और क्या ये FD जैसे किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कम या ज़्यादा था, ये आपको CAGR बता सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। CAGR को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है CAGR इक्वल्स फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू द पावर ऑफ 1/n-1। मिस्टर वेदांत के केस में ये इस तरह कैलकुलेट होगा। CAGR इक्वल्स 1,51,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 टू द पावर ऑफ 1/5-1। तो मिस्टर वेदांत को 8.5% एवरेज एनुअल रिटर्न्स मिला। इस तरह से आप डिफरेंट फंड का 3, 7 और 10 ईयर्स जैसे डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए CAGR चेक कर सकते हैं। तो जब आप अगली बार फंड के CAGR के बारे में सुने या देखें तो समझ जाइए कि ये एवरेज एनुअल रिटर्न्स हैं जो फंड ने एक टाइम पीरियड में जनरेट किए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको CAGR के बारे में कुछ जरूरी चीजें जान लेनी चाहिए। पहला, CAGR से आपको वॉलिटिलिटी की क्लियर पिक्चर नहीं मिलती। इसको देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की लीनियर ग्रोथ हुई है या होगी, मतलब वो हर साल एक फिक्स रेट से ग्रो हुई है, जबकि रियलिटी में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर साल डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में सिर्फ 8.5% का CAGR देखकर आपको लग सकता है कि मिस्टर वेदांत का इन्वेस्टमेंट हर साल 8.5% बढ़ा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए देखते हैं कि मिस्टर वेदांत के इन्वेस्टमेंट ने साल दर साल कैसा परफॉर्म किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पहले साल के एंड में उन्होंने 0.35% का नेगेटिव रिटर्न अर्न किया। आगे हम देखते हैं कि दूसरे साल में उनके रिटर्न्स बढ़कर 15.82% हो गए और तीसरे साल में ये 21.66% तक पहुँच गए, लेकिन 2019 में रिटर्न्स गिरे और उन्हें सिर्फ 2.06% का रिटर्न मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं, CAGR इन्वेस्टर को एनुअल बेसिस पर फंड के रिटर्न में आने वाले अप्स एंड डाउन्स की क्लियर पिक्चर नहीं दिखाता है, ये हमें सिर्फ एक ओवरऑल पिक्चर देता है। दूसरा, हालांकि CAGR म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और पॉपुलर तरीका है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट्स को अकाउंट में नहीं लेता है। अगर ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में इन्वेस्टमेंट्स साल भर में अलग अलग डेट्स पर की जाती तो CAGR रिटर्न्स की सही पिक्चर नहीं दे पाता। ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए आइडियल है, इसलिए वन टाइम लंप सम इन्वेस्टमेंट के लिए CAGR एक सही मेजर है, लेकिन SIP रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर CAGR SIP इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को कैलकुलेट करने का सही तरीका नहीं है तो क्या है? उसके लिए है XIRR। What is XIRR? लंप सम इन्वेस्टमेंट्स के लिए CAGR सही है,
लेकिन जहां डिफरेंट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं जैसे कि SIPs में, CAGR अच्छा मेजर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि SIPs की हर इंस्टॉलमेंट एक नया इन्वेस्टमेंट होती है और इसलिए हर अमाउंट अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 साल की SIP में आपकी पहली इंस्टॉलमेंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4 साल 11 महीनों के लिए, एंड सो ऑन। इस वजह से हर अमाउंट अलग पीरियड के लिए कंपाउंड होता है। एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न XIRR इसको अकाउंट में लेता है। XIRR में हर इंस्टॉलमेंट का CAGR कैलकुलेट किया जाता है और फिर इन्हें एक साथ ऐड करके ओवरऑल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकाला जाता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम फिर से मिस्टर वेदांत का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट किया था, लेकिन इस बार लमसम की जगह वो 5,000 रुपये का मंथली SIP 22 जुलाई 2015 को 5 साल के लिए शुरू करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं कि बीच में कोई रिडेम्पशन नहीं होता है। तो अब वेदांत हर महीने अलग प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और हर इन्वेस्टमेंट अलग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट रहेगी। इससे उनके ईयरली रिटर्न्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इसी कारण उनके ओवरऑल रिटर्न्स पर असर पड़ेगा। अब जब XIRR कैलकुलेट किया जाएगा तो हर इन्वेस्टमेंट का CAGR लिया जाएगा और फिर सभी को ऐड कर दिया जाएगा। इस कैलकुलेशन के हिसाब से वेदांत को SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने पे 10.33% के ईयरली रिटर्न्स मिलेंगे। जब वेदांत ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था तो उसे 8.5% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिल रहा था, लेकिन जब वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि उन्हें 10.33% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिल रहा है। अब अगर वेदांत ने बीच में वन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की होती या कुछ फंड्स विड्रॉ कर लिए होते तो XIRR अलग होता। ऐसा इसलिए क्योंकि XIRR रिटर्न्स कैलकुलेट करते वक्त हर कैश फ्लो को काउंट करता है। आप एक्सेल पर XIRR कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे आसान बना दिया है। आप ET Money पर स्कीम पेज पर किसी भी अमाउंट और ड्यूरेशन के लिए हर फंड के SIP रिटर्न्स देख सकते हैं। तो अभी तक हमने 1 साल से ज़्यादा होल्ड की गई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स डिस्कस किए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 1 साल या उससे कम टाइम की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट करें। उसका आंसर है एब्सोल्यूट रिटर्न्स। व्हाट आर एब्सोल्यूट रिटर्न्स? एब्सोल्यूट रिटर्न्स और टोटल रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट से कितना गेन या लॉस किया है। ये रिटर्न्स कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है। इनफैक्ट हम सभी ने स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है। चलिए एक बार फिर से मिस्टर वेदांत के इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। साल 2019 के एंड में मिस्टर वेदांत की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,43,600 थी और 1 साल बाद उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1,51,000 हो गई। उनके एब्सोल्यूट रिटर्न्स होंगे एब्सोल्यूट रिटर्न्स इक्वल्स फाइनल वैल्यू माइनस द इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, विच इज 1,51,000 माइनस 1,43,600 डिवाइडेड बाय 1,43,600 मल्टीप्लाइड बाय 100, विच कम्स अप टू 5.19%। हमारे एग्जाम्पल में ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में दिए गए रिटर्न फिगर्स एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। ये पिछले 1 साल में फंड द्वारा डिलीवर किए गए एग्जैक्ट रिटर्न दिखाता है। इसीलिए जब भी आप कोई इक्विटी फंड चूज करें तब फंड को उसके एब्सोल्यूट या 1 साल के रिटर्न देखकर जज ना करें, बल्कि CAGR या XIRR यानी 1 साल से ज्यादा के रिटर्न के बेसिस पर इवैल्यूएट करें। इसी के साथ हम वीडियो के एंड में आते हैं। टॉप म्यूचुअल फंड्स के 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान्स में फ्री में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ET Money ऐप डाउनलोड करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.